देख रहे हैं माधवपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा हमारा। नमस्कार, माधवपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मानव कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण ही सहज जरिया गजापुर धनुपुर के कथा समापन मौके पर बोली साध्वी ऋचा मिश्रा। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज के धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र के गजापुर गिरदकोट गांव में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के अंतिम दिन काशी वाराणसी की संगीत में कथा वाचक साध्वी ऋचा मिश्रा ने कहा कि मिलहिन रघुपत बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान बिरागा। कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भाव की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि भगवान राम से मिलने के लिए सबरी ने भाव की अलग जगाई तो भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। उनकी भक्ति प्राप्त के लिए विदुरानी ने भाव का प्रदर्शन किया। कहा कि कलयुग में समस्त तापों से छुटकारा एवं मानव कल्याण के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण ही एक सहज जरिया है। आयोजक लाल बहादुर शुक्ला, संतोष शुक्ला, विनोद शुक्ला, सोनू शुक्ला ने आभार जताते हुए धर्मानुरागियों से भंडारे में भाग लेने की अपील किया। तो लोगों ने क्या कर दिया था? माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से ब्यूरो हडिया, धीरेंद्र पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।